हम वैन के स्टैंडर्ड्स देखें अगर, तो सबसे पहले 1970s के अराउंड कुछ 1.25 जो है एक वैन स्टैंडर्ड स्टेब्लिश किया गया, जो कि एक पैकेट स्विच नेटवर्क था। उसके बाद थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन के बाद फ्रेम रिले आया, और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक और वैन स्टैंडर्ड की, जो कि एटीएम है। एटीएम इज द असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। दिस इज असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, जिसको यूजुअली एटीएम के नाम से जाना जाता है। ये जो है एक सेल रिले प्रोटोकॉल है। इट इज बेसिकली सिमिलर टू द फ्रेम रिले। फ्रेम रिले से काफी कुछ मिलता जुलता है, बट यहाँ पे इसको सेल रिले प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये बनाया था एटीएम फोरम ने, और फिर बाद में आईटीयूटी ने इसको क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया। अब ये असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड जो है, इसको बनाने के पीछे या इसके जो डिजाइन गोल्स हैं वो क्या है, यहाँ पे हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द डिजाइन गोल्स, व्हाई वी नीड एटीएम टाइप ऑफ न्यू प्रोटोकॉल, हमें क्यों जरूरत है। एज वी नो कि ट्रांसमिशन, अगर मीडियम की बात करें तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो आप बेसिक दो कॉपर वायर जो रन करते हैं पैरेलल, उससे हम ट्विस्टेड पेयर, मतलब यूटीपी एसटीपी, शील्डेड और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। लेटर कम्स द कॉपर केबल्स, जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है अराउंड, उससे हमने सी डी डी आई जो है वो भी कंसिडर किया एफ डी डी आई के रिस्पेक्ट में, जो कि एक 100 Mbps का रेट हमें दे सकता है। बट उसके बाद भी फर्दर हमारे पास एक और ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज उसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत बड़ी, मतलब लार्जर बैंडविड्थ इट कैन प्रोवाइड। एंड एट द सेम टाइम दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज लेसर ससेप्टेबल टू द नॉइज़ या फिर डिग्रेडेशन। जो सिग्नल है वो डिग्रेडेशन या नॉइज़ का जो इफेक्ट है उस पर वो बहुत कम होता है। अगर ऐसा कोई ट्रांसमिशन मीडियम जैसे कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, तो अगर इस ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी को अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें इसका एडवांटेज उठाना है, सो वी नीड कि हमारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं उन्हें हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि वो हायर रेट पे काम कर पाए। इट मीन्स वी नीड सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स विच मस्ट बी फास्टर, वो फास्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास एज ए ट्रांसमिशन मीडियम हमने यूज़ कर लिया है, तो हमारे पास ये तो ट्रांसमिशन मीडियम है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं। जैसे कि आप बात करें फ्रेम रिले की, या आप बात करें 1.25 की, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक वाइड एरिया इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम एटीएम जो है उसके ऊपर ऐसा सुपर इम्पोज ना करें कि उन्हें हटा दिया जाए या उनका इफेक्टिवनेस कम कर दिया जाए। व्हाट वी नीड बेसिकली कि वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो भी रहे, और ये भी वैन के स्टैंडर्ड मतलब इंटरकनेक्टिविटी उसके साथ प्रोवाइड करे, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इनकी भी इंटरकनेक्टिविटी बन जाए। सो ये एक दो सेकेंड जो गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम पूरी पुरानी जो है वो वाइप आउट कर दें और पूरा नया लगा दें। इट इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। हमेशा क्या होता है, अगर हम टेलीफोन के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें, जब हमारे पास 2G आया तो हमने, ऐसा नहीं है जब हमारे पास 3G आया तो हम 2G को इलिमिनेट कम्प्लीटली कि अभी 2G काम नहीं आएगा। जब हम पूरा का पूरा 3G लाना चाहते हैं तो पहले 2G बंद कर दो और फिर 3G लाओ। होता ये है कि अगर हमें कोई नई टेक्नोलॉजी लानी होती है तो पहले उसको जो पुरानी वाली एग्जिस्टिंग है उसके साथ काम कराते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका रिप्लेसमेंट करते हैं। तो यही एक प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ एटीएम के साथ भी है। और साथ ही साथ कॉस्ट, कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज अगर कोई नई टेक्निक आएगी नेचुरल है वो थोड़ी सी कॉस्टलियर हो सकती है, बट इफ एटीएम वांट्स टू बी अ बैकबोन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, सो इसको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए अगर आपको यूज़ करना है, सो इट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स एट अ लोअर कॉस्ट। इफ अ हायर कॉस्ट इज अप्लाइड, सो जो यूजर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो नेचुरल है उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी को वो छोड़ते नहीं, उसी पे ही स्टिक रहते हैं। सो दैट्स वाई द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसमें डालना बहुत ज़रूरी था, कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना है कि इसकी कॉस्ट जो है मॉडरेट ऐसी रहे, सो दैट इट कैन क्रिएट अ बैकबोन।
नाउ द सेम टाइम हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए एग्जिस्टिंग सिस्टम से. अब यहाँ पर सिर्फ वैन स्टैंडर्ड के बारे में बात नहीं हो रही, ओनली द वैन इज नॉट देयर, देर इज अ लोकल लूप, लैन और बहुत सारे दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस कैरियर्स हैं, वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो एटीएम के साथ ये एक डिज़ाइन को सबसे बड़ा जुड़ा हुआ है कि उसको इन सबको भी इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो एटीएम के साथ है, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के साथ है, दैट इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. अगर ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है तो ये कनेक्शन ओरिएंटेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि हम हर एक पैकेट को उसी रूट पे रूट करते हैं, भेजते हैं, और हमारे पास एक प्रिडिक्टेबल डिलीवरी होती है. तो ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यहाँ पर हम ले सकते हैं क्योंकि हमने एक कनेक्शन ओरिएंटेड सिस्टम जनरेट किया. और लास्टली, हम जब भी कोई नया सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या चाहते हैं कि डिज़ाइन करें, तो उसमें हम हार्डवेयर तो भाई अलग से लाके कुछ लगा सकते हैं, उस पर से बाहर से कहीं पे लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड जो है हम बढ़ा दें या कुछ कर दें, लेकिन हम चाहें कि हर नोड पे सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाए, हर लेवल पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, तो हम कंप्लीटली पुराने वाले को एलिमिनेट करके नया नहीं कर सकते. इसलिए क्या होना चाहिए कि अगर इफ़ वी रिक्वायर हायर स्पीड, सो हम एज मच एज पॉसिबल कि दोनों फंक्शन, चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, उसमें मिनिमम वेरिएशन करें, तो जाके एटीएम जो है एक सक्सेसफुल, या ये कह सकते हैं कि अच्छा वैन स्टैंडर्ड तभी बन पाएगा. सो दीज आर द प्रैक्टिकल इश्यूज विच आर रिलेटेड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ एटीएम. ये प्रैक्टिकल इश्यूज थे कि ये होना चाहिए. इसमें ये एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है और ये उसको असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड को बाकी और दूसरी टेक्नोलॉजी से या प्रोटोकॉल से क्या करता है, अलग करता है.